गुजरात से कर्णावती के राजा थे राणा वीर सिंह वाघेला सोलंकी। इस राज्य ने कई तुर्क हमले झेले थे पर कामयाबी किसी को नहीं मिली। सुल्तान बेघारा ने सन 1497 में पाटन राज्य पर हमला किया था। राणा वीर सिंह वाघेला के पराक्रम के सामने सुल्तान बेघारा की 40,000 से अधिक संख्या की फौज 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाई। सुल्तान बेघारा की नजर रानी रुदाबाई पर थी। रानी बहुत सुंदर थी और वो रानी को युद्ध में जीतकर अपने हरम में रखना चाहता था। सुल्तान ने कुछ वक्त बाद फिर हमला किया। राज्य का एक साहूकार इस बार सुल्तान बेघारा से जा मिला और राज्य की सारी गुप्त सूचनाएं सुल्तान को दे दी। इस बार युद्ध में राणा वीर सिंह वाघेला को सुल्तान ने छल कर हरा दिया, जिससे राणा वीर सिंह उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। सुल्तान बेघारा रानी रुदाबाई को अपनी वासना का शिकार बनाने हेतु राणा जी के महल की ओर 10,000 से अधिक लश्कर लेकर पहुंचा। रानी रुदाबाई के पास शाह ने अपने दूत के जरिए निकाह प्रस्ताव रखा। रानी रुदाबाई ने महल में ऊपर छावनी बना रखी थी, जिसमें 2500 धनुर्धारी वीरांगनाएं थी, जो रानी रुदाबाई का इशारा पाते ही लश्कर पर हमला करने को तैयार थी। सुल्तान बेघारा को महल द्वार के अंदर आने का न्योता दिया गया। सुल्तान बेघारा वासना में अंधा होकर वैसे ही किया। जैसे ही वो दुर्ग के अंदर आया, रानी ने समय न गवाते हुए सुल्तान बेघारा के सीने में खंजर भोंक दिया और उधर छावनी से तीरों की वर्षा होने लगी, जिससे शाह का लश्कर बचकर वापस नहीं जा पाया। सुल्तान बेघारा का सीना फाड़ कर रानी रुदाबाई ने उसका कलेजा निकाल कर कर्णावती शहर के बीचों बीच लटकवा दिया और उसने उसके सर को धड़ से अलग करके पाटन राज्य के बीच में टंगवा दिया और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि कोई भी आक्रांता भारतवर्ष पर या फिर हिंदू नारी पर बुरी नजर डालेगा तो उसका यही हाल होगा। इस युद्ध के बाद रानी रुदाबाई ने राजपाठ सुरक्षित हाथों में सौंप कर जल समाधि ले ली, ताकि कोई भी तुर्क आक्रांता उन्हें अपवित्र न कर पाए।